हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पोहा। आजकल मटर का बहुत सीज़न है और इसमें झटपट गरम गरम पोहे का नाश्ता बहुत ही जल्दी और कम समय में बनता है। आए देखिए कैसे बनता है। मटर पोहा बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कटोरी पोहा लिया है। इसे अच्छी तरह से धोकर पानी इसका सारा निकाल दिया है। ये मटर ली है मैंने, 250 ग्राम से ऊपर है ये मटर, उसके दाने हैं। ये मैंने 1 चम्मच राई ली है, 1 बड़ा टमाटर काटा है और जो उसमें डालूंगी उसके मसाले। ये मैंने हल्दी ली है इसमें डालने के लिए, लाल मिर्ची ली अपने स्वाद के अनुसार डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया। आइए देखिए कैसे बनाती हूँ। 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, धुआं उठने तक इसे पका रही हूँ। तेल पक गया, अब इसमें राई के दाने डालेंगे। राई चटकने पर टमाटर डालेंगे। करी पत्ते के 8-10 दाने डालेंगे। एक चम्मच हल्दी, नमक, लाल मिर्ची, थोड़ा सा धनिया। मटर के दाने डालेंगे। दो मिनट के लिए सौते करेंगे तो पोहा डाल देंगे। मटर के दाने मुलायम हो गए हैं, अब मैं इसमें पोहा डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसमें आधे नींबू का रस डालेंगे। नींबू का रस डालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप इसमें मसाले अपने स्वाद के अनुसार तेज कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। अच्छी तरह मिला लेंगे। बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाता है ये, 5 मिनट से ज़्यादा इसका समय नहीं लगता है। हमारा मटर पोहा तैयार है।